ji, welcome back to Journey Joy Hub by Abrar. We are back with another video. एक ऐसा व्लॉग, एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम जो है ऑफिशियल चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं. इन ऑफिशियल चीजों में नंबर वन पे जो आती है उसको कहते हैं वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, जिसको कुछ लोग आरपी के नाम से जानते होंगे. नंबर टू पे आती है नेशनल पीआर, नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम हंगरी, बहुत सारे लोग एनपीआर के नाम से जानते होंगे. नंबर थ्री पे आती है ईयूपीआर, जिसको यूरोपियन परमानेंट रेजिडेंसी के नाम से लोग जानते होंगे या फिर ईयूपीआर के नाम से जानते होंगे. सो व्लॉग को पूरा देखना, पसंद आया इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली अपनी जो है परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम हंगरी रिसीव की है. ऑलमोस्ट दो हफ्ते पहले ये हमें परमानेंट रेजिडेंसी रिसीव हुई थी. तो मैं कब से कोशिश कर रहा था कि जो चीज़ें मैंने फेस की, मेरी भी दो बार रिजेक्शन हुई, जिन चीज़ों से मुझे गो थ्रू होना पड़ा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लोगों को इससे गो थ्रू ना होना पड़े, तो मैंने फाइनली आज कोशिश की कि इस वीडियो को जो है कंपाइल किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को सुन पाएं और नए रूल्स लागू होने से पहले पहले आप लोग 2024 में जो चीज़ें आप फुलफिल करते हो उसके हिसाब से अपना जो कार्ड है अप्लाई कर सकें. किसी भी टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं रियल मीनिंग के वर्क परमिट क्या होता है, आरपी रेजिडेंस परमिट क्या होती है, नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम हंगरी क्या होती है, ईयूपीआर क्या होती है. सो शुरुआत करते हैं अपने रेजिडेंस परमिट से, जिसको वर्क परमिट कहा जाता है, आरपी कहा जाता है. इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप हंगरी में आना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का जो है वर्क परमिट रिक्वायर्ड होगा. वर्क परमिट आप जो है किसी भी कंपनी से ले सकते हो हंगरी की. लेट्स से अगर आप किसी वेयर हाउस में जॉब करना चाहते हो, किसी फार्म हाउस में जॉब करना चाहते हो या किसी फार्म भेड़ बकरियों के फार्म पे काम करना चाहते हो या ज़ारा में काम करना चाहते हो, किसी भी ब्रांड में काम करना चाहते हो, तो आप ये वर्क परमिट जो है रेजिडेंस परमिट आरपी किसी भी हंगेरियन कंपनी से ले सकते हो. अगर तो वो आपको हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में ये वर्क परमिट जो है लेने में हेल्प करती हैं तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी करते तो आप हंगरी में आके इस वर्क परमिट को अप्लाई कर सकते हो. आप खुद से वकील कर सकते हो, वकील की फीस होगी. आपको ये जो वर्क परमिट मिलेगा 2 से 3 साल का मिलेगा और इसी तरह आप इसको बाद में एक्सटेंड करा सकते हो, रीन्यू करा सकते हो. और ये है हमारा वर्क परमिट. नंबर टू पे हमारे पास आता है नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको एनपीआर कहते हैं फ्रॉम हंगरी. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे ही है जैसे मैं पाकिस्तान से आता हूं तो पाकिस्तान में हमारा सीएनएसी कार्ड होता है जिसको हम शनाती कार्ड कहते हैं. बेसिकली ये शनाती कार्ड होता है लेकिन हंगरी का, शनाती कार्ड फ्रॉम हंगरी. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद इंडिया का ये बनेगा आधार कार्ड. तो जैसे आपका इंडिया में आधार कार्ड होता है वैसे ही आपका जो है यहाँ पे नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी जब आप लेंगे तो वो कार्ड जो है आपका आधार कार्ड कहलाएगा और हंगरी में उसको एनपीआर यानी कि नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी कहते हैं. फिर उसके बाद नंबर थ्री पे जो आती है हमारे पास यूरोपियन पीआर, ये भी आधार कार्ड की तरह होता है. जैसे आधार कार्ड इंडिया का होता है, नेशनल पीआर जो कि एनपीआर हंगरी की होती है. हंगरी से बाहर पूरे यूरोप की बात करें, पूरे यूरोप में अगर आप काम करना चाहते हैं, पूरे यूरोप में मोबिलिटी अगर आपको मिल जाती है, आप लेना चाहते हैं, उसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन की पीआर, ईयूपीआर यानी यूरोपियन परमानेंट रेजिडेंसी. तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप नेशनल पीआर और ईयू की पीआर में क्या फर्क होता है. नेशनल पीआर जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉम हंगरी, आपको हंगरी देगा. ये सिर्फ हंगरी से रिलेटेड है. इसी में आप आज एक कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आपके पास नेशनल पीआर है, आप आज कंपनी छोड़ दो, कल किसी और कंपनी में जॉब करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास मोबिलिटी है, मोबिलिटी टू मूव टू वर्क विद इन हंगरी. आप हंगरी में किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो, कंपनी के साथ अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना बिजनेस, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयरटेल, टेलीकॉम, टेलीनॉर किसी भी ऑफिस में जाते हो, आप इंस्टॉलमेंट्स किस्तों पे फोन लेना चाहते हो, आपको वो भी मिल सकता है। आप आईकिया में जाना चाहते हो, आप वहां पे इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ चीजें लेना चाहते हो, तो आप अगर आपके पास ये नेशनल पीआर है, नेशनल पीआर के साथ ऑटोमेटिकली आपके पास एड्रेस कार्ड होगा। जब एड्रेस कार्ड आपके पास होगा तो आप किसी भी तरह का लोन ले सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो और आईकिया, टेलीकॉम, टेलीनॉर से मोबाइल और घरेलू जरूरियात की चीजें आप जो है इजीली इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो। सो ऑल इन ऑल अगर मैं नेशनल पीआर की बात करूं तो वो पाकिस्तानियों के लिए शनाती कार्ड है, इंडियन लोगों के लिए वो जो है आधार कार्ड है। आप हंगरी में कहीं भी किसी भी तरह की जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। जो आजकल के रूल्स के मुताबिक इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 साल है, तो मतलब आजकल ये आपको नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी जो हंगरी से मिल रही है वो आपको 10 साल की मिल रही है। 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, एक डिकेड होता है, तो आप सोचो कि अगर आप नेशनल पीआर हंगरी से ले लो तो आप अपने आप को 10 साल के लिए सिक्योर कर लोगे। आपको दोबारा बार बार अपना जो वीजा रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा, अपना जो कार्ड है आरपी या वर्क परमिट उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने नेशनल पीआर ले ली, आपने अपने 10 साल जो है सिक्योर कर ली। तो चलो अभी बात करते हैं ईयू पीआर की। ईयू पीआर जो है नेशनल पीआर से अपर वाला लेवल है, उससे एक स्टेप आगे है। तो आप हंगरी के साथ साथ, हंगरी भी ईयू में आता है, हंगरी के साथ साथ और जो 26-27 कंट्रीज ईयू में आते हैं, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में काम कर सकते हो। आपको मोबिलिटी है, मोबिलिटी का मतलब है कि आप इजीली मूव कर सकते हो। आज आप हंगरी में काम करते हो, कल आपको नेदरलैंड से जॉब आई, आप नेदरलैंड में मूव कर गए, कल आपने डिसाइड किया कि आपने पुर्तगाल जाना है तो आप पुर्तगाल जा सकते हो, आप जर्मनी में जा सकते हो, वहां पे जॉब कर सकते हो। तो नेशनल पीआर भी हंगरी भी 10 साल की देता है। अगर आप ईयू पीआर लेते हो तो आपको ईयू पीआर जो आजकल के लॉ के मुताबिक वो भी आपको 10 साल की मिलती है। आई होप कि आपको जो अंतर, जो फर्क है नेशनल पीआर और ईयू पीआर, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी बात करते हैं कि वर्क परमिट का। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने मुल्क से, किसी भी मुल्क से आप बिलोंग करते हो, लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहां से अगर आपको हंगरी आना चाहते हो तो आपको इनिशियली वीजा लगेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट वीजा आता है, वर्क वीजा आता है, बिजनेस वीजा आता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीजा आता है और भी कई तरह के वीजा आते हैं, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। अभी फिलहाल हमारे आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंसर्न है, नेशनल पीआर, ईयू पीआर और जो रेजिडेंस परमिट है उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात 2025 में जो नए रूल्स हंगरी लेके आ रहा है पीआर के हवाले से, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को टच करते हैं, कवर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर किसी को कोई चीज ना समझ आई कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लाजमी डाल देना। और हाँ, अगर कोई चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, आपको मुझसे बेहतर पता है या आपको उसका नेक्स्ट वाला हिस्सा पता है, तो कमेंट्स में लाजमी जो है लिख देना, ताकि जो लोग हैं वो अपनी अपने क्वेश्चंस को, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा जो है एक्सेस कर सकें और चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी फ्रॉम हंगरी, जिसको एनपीआर कहते हैं, कि उसके लिए हंगरी ने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है डिफाइन की है। एनपीआर के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इन्होंने जो है डिफाइन की है वो आती है कि कोई भी बंदा हंगरी में रह रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी बिजनेस वीजा पे आया है, वर्क वीजा पे आया है, तो उसको हंगरी में 3 साल कंप्लीटली गुजारने चाहिए। अगर उसने 3 साल गुजारे हैं, वो एक टैक्स पेयर था कंप्लीटली, उसने 3 साल हंगरी को टैक्स पे किया है, तो आप 3 साल के बाद आंखें बंद करके नेशनल पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं मोर इसको जो है डिटेल में बात करूं, तो इनके लॉ के मुताबिक अगर आप हंगरी में स्टडी करने आते हो तो जो आपका ड्यूरेशन होगा वो हमेशा हाफ काउंट होगा टुवर्ड्स योर नेशनल पीआर। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 2018 में आया था, 2022 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, यानी कि 4 साल में डिग्री कंप्लीट की, तो लॉ के मुताबिक जो मेरे 4 साल हैं वो हाफ काउंट होंगे, जिसका मतलब है 2 साल, तो 1 साल मैंने और स्पेंड करना था, यानी कि 2023 मेरे 3 साल पूरे रहते। 3 साल के बाद मैं हंगेरियन नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको एनपीआर कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुका था। सो नंबर 1 पे होगी 3 साल,
नंबर टू पे होगी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका हाफ काउंट होगा। नंबर थ्री पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखी है अपनी मिस्टेक से, वो ये है कि जब भी आप अपनी नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो आपके पास अभी करंट परमिट है, किसी भी किस्म का वर्क परमिट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली रीयूनिफिकेशन है, हंगेरियन कार्ड है या रेजिडेंस परमिट है, किसी भी किस्म का परमिट है, वो आपका 6 से 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि आपका जो नेशनल पीआर का केस है, इसको ऑलमोस्ट इसका डिसीजन आने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो कोशिश करो कि आपका जो परमिट है, रेजिडेंस परमिट, वो आपका 6 से 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ताकि आप उसके बिहाफ पे नेशनल पीआर जो है अप्लाई कर सको, और आपका जो जब प्रोसेस चल रहा हो, जब केस चल रहा हो, तो आपके पास परमिट है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपका परमिट किसी भी किस्म का जो आपने होल्ड किया हुआ था और दूसरी तरफ आपने नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर दिया, ये वाला परमिट जो वर्क परमिट आपने होल्ड किया हुआ है, नेशनल पीआर का केस चल रहा है, ये परमिट इस केस के दौरान एक्सपायर हो गया 4 महीने में 5 महीने में, तो आपकी जो नेशनल पीआर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हंगरी में आप तभी नेशनल पीआर ले सकते हो, आप तभी नेशनल पीआर जो है उठा सकते हो, जब आपके पास पहला जो कार्ड है, जो आपका वर्क परमिट है, वो वैलिड होना चाहिए। अगर ये कार्ड वैलिड नहीं होता, इसी केस के दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान एक्सपायर हो गया ये वाला परमिट, तो आपका जो नेशनल पीआर की जो केस है, जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, वो कैंसिल हो जाएगी। सो कोशिश करना कि जब भी आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो, 3 साल गुजारने के बाद आपका जो परमिट है वो वैलिड होना चाहिए 6 से 8 महीने तक। 1st of March 2024 में हंगरी ने नए रूल्स निकाले हैं, जिनकी अभी कुछ देर बाद बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स पीआर के हवाले से उन्होंने डिफाइन किए हैं, जो क्या क्या चेंजिंग आई हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी 2024 अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त से लेके एंड तक दिसंबर तक, अभी तक कौन कौन सी कैटेगरी के लोग इस नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनमें जो आता है कि वो लोग जो फैमिली रीयूनिफिकेशन पे हंगरी आए थे, जिनका स्पोर्स वीजा लगा हुआ था, स्पोर्स की बिहाफ पे हंगरी आए हैं, वो लोग नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको 3 साल हो गए हैं हंगरी में। दूसरा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और उसको 3 साल हो गए, उसने हंगरी को 3 साल टैक्स पे किया है, वो एनपीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थ्री पे आता है वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट, आरपी, जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है, आईटी की कंपनी, वेयरहाउस की कंपनी, ज़ारा में या किसी और कंपनी में आपने काम किया और आपने 3 साल टैक्स पे किया है, आपने 3 साल कंप्लीटली हंगरी के अंदर गुजारे हैं, तो आप जो है नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और कमेंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आजकल इन्होंने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, मेरे साथ खुद हुए, मेरी 2 बार रिजेक्शन हुई है। जैसा कि मैंने खुद अप्लाई किया था, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद अप्लाई करना। अगर आप किसी तरह लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वो चीज़ करूँ जो मैंने की है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने से लेके, डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेके जो कार्ड रिसीव होने तक, हर वो चीज़ आपसे शेयर करूँ, हर चीज़ आपको बताऊँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपका केस भी जो है 100% सक्सेस रेट से आ जाए, आपको भी कार्ड मिल जाए। तो लेकिन ये है कि मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लॉयर अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लॉयर के साथ एनपीआर की एप्लीकेशन लाजमी डालना। सो अगर मैं EUPR की रिक्वायरमेंट्स की बात करूं, इसकी कंडीशंस की बात करूं कि कोई बंदा इसे कब अप्लाई कर सकता है, EUPR जो पूरे यूरोप की PR है, पूरे यूरोप का ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, आधार कार्ड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप तभी EUPR के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम हंगरी, जब आपने हंगरी में 5 साल स्टे किया हो। 5 साल स्टे करने का मतलब है कि आपने पूरे के पूरे 5 साल हंगरी में स्टे किया है, और आपने 5 साल तक हंगरी में जो है टैक्स पे किया है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद आप जब भी आपके 5 साल पूरे हो, आप जो है EUPR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मजे की बात है, आपने टेंशन नहीं लेनी,
चाहे आप नेशनल पीआर अप्लाई करो, चाहे आप ईयू पीआर अप्लाई करो, मैं खुद आपको पोर्टल पे लेके जाऊंगा। वो यही है कि आपका हाथ पकड़ के आपकी ईयू पीआर, आपकी नेशनल पीआर अप्लाई कराऊंगा। मैंने तो नेशनल पीआर ले ली, मैंने किस तरह पोर्टल फिल किया, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड किए, किस तरह का लेटर लिखा, कैसी सीवी इनको सेंड की, ए टू जी चीजें आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि यार जो चीजें, जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, वो मेरे लोग ना करें। तो गाइस, अगर आप लोग मुझे चाहते हो कि मैं जल्दी से इसका पार्ट टू लेके आऊं, आपको जो है एक वीडियो में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दूं, एक वीडियो में आपको जो पोर्टल पे लेके जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल पीआर का, ईयू पीआर का, जिसका मर्जी, वो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ स्क्रीन शेयर करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, पोर्टल जो है, उस पे एप्लीकेशन जो है सबमिट करूं, तो आप जो है नीचे कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि कितनी ऑडियंस है जो 2024 में ईयू पीआर या नेशनल पीआर जो है सबमिट करना चाह रही है, और मुझे चाह रही है कि मैं जो है ये वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे पता चलेगा कि कितने सारे लोग जो है हमारे पे डिपेंडेंट हैं, ताकि हम जो है जल्दी से जल्दी ये वीडियो लेके आ सके। तो वर्क परमिट बता दिया, नेशनल पीआर बता दी, ईयू पीआर बता दी, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, तीनों में अंतर, तीनों में फर्क बता दिया। तो अभी बात करते हैं कि 2025 में जो हंगरी ने नए रूल्स जो है डेवलप किए हैं, जो आने वाले टाइम में लागू होंगे, नेशनल पीआर या ईयू पीआर की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने जो है एक कल्चरल एग्जाम जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो ये जो रूल जिसको मैं बताने वाला हूँ, ये जो नया रूल आया है हंगरी में, ये 1st of March 2024 तब ये जो है इन्होंने रूल पब्लिश किया है। तो ये रूल जो है नेशनल पीआर के बारे में क्या कहता है कि चाहे आपने नेशनल पीआर अप्लाई करनी है या ईयू पीआर अप्लाई करनी है, तो 1st of January 2025 से कल्चरल एग्जाम शुरू हो रहा है, हंगेरियन कल्चरल एग्जाम। इसको समझते हैं कि ये कल्चरल एग्जाम क्या होगा। तो हमारी रिसर्च के मुताबिक ये जो कल्चरल एग्जाम है, ये सारे बंदों के लिए होगा। आप 1st of January 2025 से अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की नेशनल पीआर अप्लाई करते हो, ईयू पीआर अप्लाई करते हो, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। किसी भी बंदे को इस एग्जाम से माफी नहीं है। ओनली दो कैटेगरियां हैं जो ये एग्जाम से जो है एक्सेप्शनल केस है। एक वो बच्चा जो 12 साल का है, वो एग्जाम नहीं दे सकता, और वो जो 65 साल से ऊपर है। तो दो कंडीशन है कि अगर आप 12 साल के हो या फिर अगर आप 65 साल के हो, तो आपको ये कल्चरल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी तरह की जॉब करते हो, अगर आप नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो या ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कल्चरल एग्जाम देना पड़ेगा। कल्चरल एग्जाम में क्या चीजें आएंगी? कल्चरल एग्जाम में आएगा हंगेरियन कल्चर के बारे में, हंगेरियन म्यूजिक के बारे में, हंगेरियन नेटो का हिस्सा है या नहीं है, कब बना, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी, हंगेरियन ट्रेडिशंस के बारे में। उसके बाद World War I, World War II में हंगरी का क्या रोल था, वो सारी चीजें। तो ऑल इन ऑल आपको इसके लिए सोशल स्टडीज हंगरी की पढ़नी पड़ेगी। तो जब आप पढ़ लेंगे तो आपका जो कल्चरल एग्जाम है, होपफुली वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कल्चरल एग्जाम है, ये हंगेरियन लैंग्वेज में होगा। तो इससे आपको हंगेरियन लैंग्वेज भी आना चाहिए। अगर आप ये कल्चरल एग्जाम निकालना चाहते हो, अगर आप ये पीआर लेना चाहते हो 2025 टू ऑनवर्ड, तो आपको हंगेरियन लैंग्वेज आना चाहिए। हंगेरियन लैंग्वेज आएगी तो आप हंगेरियन कल्चरल एग्जाम दे पाएंगे। हंगेरियन कल्चरल एग्जाम जो है सक्सेसफुल पास करेंगे, तो आप जो है नेशनल पीआर या ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम है, आपको किसी इमिग्रेशन ऑफिस में या किसी इमिग्रेशन के डिफाइन करता डिपार्टमेंट या इदारे में नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको हंगेरियन जो स्कूल्स हैं उनमें जाके आपको ये कल्चरल एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि हंगेरियन में होगा। और वो स्कूल्स आपको जो है सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ, ये बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं इब्रार स्कूल, इसने हंगेरियन कल्चरल एग्जाम जो है पास कर लिया है विद दिस ग्रेड या विद दिस पासिंग स्कोर। तो आप जो है वो जो सर्टिफिकेट आपको स्कूल देगा, आप वो सर्टिफिकेट लेके जाओगे हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस, उसके बाद उसकी कॉपी जो है अटैच करोगे, उनको प्रोवाइड करोगे, उसके बाद जो है आप नेशनल पीआर या ईयू पीआर अप्लाई कर सकते हो। चलो जी, अभी बात करते हैं उसकी जो नए रूल्स मैं बता रहा था, अभी उसमें आता है जी
सबसे पहले के नए रूल्स में इन्होंने ये डिफरेंस लाया, ये अंतर लाया कि 2025 से जो वर्क परमिट था, जिसको मैं आरपी कह रहा था, रेजिडेंस परमिट मैं कह रहा था, अब इसकी जो वर्थ है, इसकी जो वैल्यू है, इन्होंने एक किस्म की लो कर दी है। लो ये है कि 2025 में ईयू पीआर या नेशनल पीआर कौन अप्लाई कर सकता है, 2025 टू ऑनवर्ड, 2025 जब शुरू होगा उससे लेके आगे तक रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है वही लोग नेशनल या ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कौन से कार्ड है, जिनके पास या तो मागियर कार्ड होगा, इन्होंने एक नया कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है मागियर कार्ड, हंगेरियन कार्ड, या तो वो मागियर कार्ड होगा। मागियर कार्ड उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी हाई स्किल्ड जॉब्स होंगी, हाई स्किल्ड वर्कर्स होंगे, लेट्स से आईटी की जॉब करते हो या फिर इंडस्ट्री में जॉब करते हो, कॉर्पोरेट में जॉब करते हो। इन्होंने एक बहुत बड़ी कैटेगरी डिफाइन की है कि अगर आप हाई स्किल्ड वर्कर हो तो आपको मागियर कार्ड दिया जाएगा। मागियर का कार्ड का मतलब है हंगेरियन कार्ड, हंगेरियन कार्ड का मतलब है एक दरवाजा, जो एक एंट्रेंस जो आपको या तो नेशनल पीआर की तरफ लेके जाएगा या ईयू पीआर की तरफ। तो वो लोग जिनके पास ये मागियर कार्ड है, नंबर टू पे आता है ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड वाले, मागियर कार्ड वाले 2025 के बाद, 2025 से ऑनवर्ड नेशनल पीआर या ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास वर्क परमिट है, सिंपल वर्क परमिट, वो 2025 से जब 2025 शुरू होगा उससे लेके आगे तक वो लोग सिंपल वर्क परमिट रखने वाले ईयू पीआर या नेशनल पीआर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये लाजमी नोट कर लेना, सिंपल वर्क परमिट आरपी रेजिडेंस परमिट वाले 2025 से ऑनवर्ड नेशनल पीआर ईयू पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कौन से लोग अप्लाई करने के काबिल होंगे? मागियर कार्ड और ब्लू कार्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि आप जब भी पीआर के लिए अप्लाई करो तो आपके जो कार्ड, जो आपने करंट कार्ड होल्ड किया हुआ है, उसकी जो एक्सपायरी है वो कम से कम 6 से 8 महीने के बाद होनी चाहिए, ताकि जब आप पीआर अप्लाई करो तो आपका प्रोसेस चलता रहे, वो 5 या 6 महीने में डिसीजन आ जाते हैं और आपका कार्ड तब तक वैलिड होना चाहिए। अगर डिसीजन के दौरान, डिसीजन अभी नहीं आया, प्रोसेस चल रहा है, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, तो आपकी पीआर कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको बता दूं तो कोशिश करना जब भी अपना जो है पीआर अप्लाई करो तो आपके जो कार्ड की मुद्दत है, जो ड्यूरेशन है, वो 6 से 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। एक एग्जांपल से बात करते हैं कि वो लोग जिनका ड्यूरेशन 3 साल का 2024 तक पूरा हो रहा है और उनका कार्ड आगे 6 से 8 महीने तक 2025 में कार्ड वैलिड है, वो नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ कहता है कि वो लोग जिनका ड्यूरेशन 2024 में 3 साल का पूरा हो रहा है और उनका कार्ड 2025 में 6 से 8 महीने तक वैलिड है, मतलब वैलिडिटी पीआर के ड्यूरेशन के दौरान जो है फिजिबल है, रह सकती है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मगर वो लोग जो 2025 में, जिनकी ड्यूरेशन या 2025 में पूरी हो रही है 3 साल की या 25 के बाद पूरी हो रही है, उनको कल्चरल एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने नेशनल पीआर ले ली 2024 में, मुझे 2 हफ्ते पहले नेशनल पीआर मिल गई, 2025 में मेरे, मुझे 5 साल हो जाएंगे ईयू पीआर के लिए जुलाई में, तो जब मैं जुलाई में ईयू पीआर के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे केस में मुझे कल्चरल एग्जाम देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया 2025 के जो रूल्स लागू हो रहे हैं ईयू पीआर के वाले से, नेशनल पीआर के वाले से। बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट, जो पीआर लेने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अगर आप सिंगल हो मेरी तरह, अगर आपकी शादी नहीं हुई, ना तो आपकी वाइफ है, ना आपको कोई बेबी है, आप सिंगल हो मेरी तरह, तो आप ये कि आपकी अगर ज़्यादा सैलरी है, कम सेविंग है, स्टिल इट्स पॉजिटिव, इट्स एक्सेप्टेबल। कम सेविंग का मतलब ये नहीं कि 1 मिलियन से नीचे ही हो रहा है, नो, कम सेविंग का मतलब है कि एटलीस्ट आपके पास 2 मिलियन सेविंग है, आपकी सैलरी अराउंड 8 लाख से 8 लाख 4 हंड्रेड या उससे ऊपर है तो यू आर गुड। 2 मिलियन सेविंग विद 8 लाख या 8 लाख 4 हंड्रेड से ऊपर आपकी सैलरी है
तो आप जो है नेशनल पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो. इट्स अ हैंडसम अमाउंट, इट्स अ नाइस अमाउंट. अगर आपकी वाइफ है, आपका बेबी भी है, तो आप ये समझ लो कि वो 2 मिलियन सिंगल बंदे के लिए, आपकी वाइफ है, आपका बेबी भी है, तो वो जो बैंक स्टेटमेंट की बात 2 मिलियन से 7 से 8 मिलियन तक पहुंच गई, क्योंकि हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस वाले बंदू के हिसाब से आपकी फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं उस हिसाब से वो चेक करते हैं. उन्होंने एक अमाउंट डिफाइन किया है. एक सिंगल बंदे का जो खर्चा हंगरी में आता है वो ये है. ये 3 बंदे हैं तो इनका जो बैंक सेविंग है वो इतनी होनी चाहिए. तो अगर आप फैमिली मेंबर 3 हो, आप, आपकी वाइफ, आपका बेबी, तो आपकी जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो कम से कम 6 से 8 मिलियन होनी चाहिए. उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी अगर आपने हंगरी से डिग्री लिया है, हंगरी से आप पढ़े हो, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है. आपकी स्टेटमेंट थोड़ी कम भी हो जाए, लेट्स से 2.2 मिलियन 2.5 मिलियन हंगेरियन फॉरेंट्स, स्टिल इट्स फाइन, इट्स एक्सेप्टेबल. उसके बाद आपके पास किसी भी किस्म का एसेट पड़ा हुआ है, गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फ्लैट है, आपका घर है, बेशक हंगरी में है, बेशक पाकिस्तान में है, इंडिया में, बांग्लादेश में है, अगर आप वो एसेट शो कराओगे, उन एसेट की मालियत जो है वो हंगेरियन इमिग्रेशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा, वो भी आपके नेशनल पीआर में काउंट होंगे और उससे आपको बेनिफिट होगा. तो लिहाजा किसी भी किस्म का एसेट आपके पास है, गाड़ी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, फ्लैट, इंडिया, पाकिस्तान, यहीं कहीं जहां भी है, आपने उनको नेशनल पीआर के केस में या ईयू पीआर के केस में लाजमी अटैच करना है. वो आपकी पीआर में बहुत बड़ा जो है फैक्टर जो है प्ले करेंगे. उसके बाद अगर आप अकेले काम कर रहे हो, आपकी फैमिली, लेट्स से आपकी वाइफ या आपका बेबी छोटा है, आपकी वाइफ काम नहीं करती, अगर आप अकेले काम करते हो तो आपकी सेविंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, वरना केस है वो कैंसिल हो जाएगा. और बाकी गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. हमने कोशिश पूरी की, जितनी इंफॉर्मेशन हमने ढूंढी, हमने अपने लॉयर से जो है बात की, लोगों से बातें की, खुद भी पीआर जो है हमने रिसीव की, हमने सोचा इस पूरे वीडियो में इस सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके डाल दिया जाए आप लोगों के लिए और फ्यूचर में मेरे लिए भी, कहा था कि कल को जब मैं ईयू पीआर के लिए अप्लाई करूं तो ऑफकोर्स चीजें याद नहीं रहती, तो कल को मैं खुद की वीडियो खुद ही देख सकूं, चीजें रिफ्रेश कर सकूं. तो ऑल इन ऑल अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फिर भी रह गया है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट्स में लाजमी पूछना, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को लिख देना. अगर मुझे पता हुआ तो मैं जो है उसको लाजमी रिप्लाई करूंगा, नहीं तो मेरे जो कंपनी के लॉयर्स हैं, मेरे जो आसपास के लॉयर्स हैं, मैं उनसे पता करके आपको लाजमी जो है आंसर प्रोवाइड करूंगा. और सेकंड एक और बात बताता चलूं कि अभी हम लोग जो है 1 या 2 लॉयर के साथ इन डिस्कशन में है. हम जो है आने वाले टाइम में उनके साथ जो है पॉडकास्ट एक सीरीज लेके आने वाले हैं. वो आपको बताएंगे कि नए रूल्स जो है 2025 में प्रॉपर हर टाइप के लिहाज से क्या क्या रूल्स नए आए हैं, वो क्या क्या रूल्स लागू हो रहे हैं, और बाकी जो बची कुछ इंफॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि हमने वीडियो में आपको नहीं बता पाए, तो वो भी हम उस सीरीज में कवर करेंगे. आप जो है लाजमी कोशिश करना कि कोई क्वेश्चन रह गया अपने कमेंट्स में बता देना. उसके बाद अगर कोई चीज मैं बताना भूल गया और आपको बताया, आप दूसरे लोगों से शेयर करना चाहते हैं, मेरे से शेयर करना चाहते हैं, आप लाजमी इस वीडियो के कमेंट्स में बता देना. हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि 1 for all and all for 1, के 1 सारे लई ते सारे 1 लई. तो चलो सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे देसी भाई लोग, देसी जो कम्युनिटी है, उसको हमारे होने से कुछ फायदा मिले, हमारे इस प्लेटफॉर्म से कुछ फायदा मिले. तो सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करना. और बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा, आपको इस वीडियो से कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, कुछ नई चीजें जो है हमने आपको बताई होंगी. तो व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग पीआर के लिए कंफ्यूज हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही, उनको पता नहीं कि पीआर कैसे अप्लाई करनी है. वो ये वीडियो देख लें, वो ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ये चेक कर लेंगे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हमने बताई हैं वो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उनके पास है, ये सारी चीजें तब तक के लिए वो रेडी कर लें. विद इन 1 और मे बी लेस देन 1 वीक
हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए नेशनल पीआर के लिए, ईयू पीआर के लिए और रेजिडेंस परमिट यानी कि वर्क परमिट के लिए। हमारी जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम आपको हंगेरियन एंटर हंगरी के पोर्टल पे लेके जाएंगे, आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल पीआर, फॉर ईयू पीआर और रेजिडेंस परमिट सारी जो है अलग अलग जाके आपका हाथ पकड़ के जो है हम सबमिट करवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस फील्ड में क्या लिखना है, लेटर कैसे लिख के सबमिट करना है, कौन सी सीवी डालनी है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपका पूरा ए टू जी जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाएंगे। हालांकि मैं आपको रेफर नहीं करूंगा, जितनी जलालत से मैं गो थ्रू हूं, मैंने खुद अपनी पीआर नेशनल पीआर जो अप्लाई की थी, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है हंगेरियन लॉयर के थ्रू जो है नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो या ईयू पीआर के लिए अप्लाई करो। अगर नहीं पॉसिबल तो फिर वही ऑप्शन बनता है कि आप 2024 के एंड होने से पहले पहले अगर आप 3 साल स्टे का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हो, आपने 3 साल टैक्स पे किया है, तो आप जो है इधर लॉयर के थ्रू जो है नेशनल पीआर अप्लाई करो या फिर जो है पर्सनली खुद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सो इस ब्लॉग के एंड पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आप लोगों से शेयर करूंगा, वो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 बार पीआर जो है कैंसिल हुई, रिजेक्ट हुई, तो वो किस वजह से ही, मैं इसलिए आपसे शेयर करूं ताकि आप लोग मेरी वाली मिस्टेक्स ना करना। जब पहली बार मैंने पीआर सबमिट की थी तो जब रिजेक्शन आई तो उन्होंने 2 रीजंस दी थी। पहली रीजंस थी कि मैंने ओल्ड पासपोर्ट नहीं जमा कराया था, मेरा जो ओल्ड पासपोर्ट था वो उस पे हंगरी के पहले 2 साल की स्टैम्प्स थी, तो उसका रिकॉर्ड हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस के पास नहीं था जो मैंने अपलोड नहीं किया था। तो अगर आपका भी ऐसे ही सीन है, मेरी तरह आपके 2 पासपोर्ट हैं, ओल्ड पासपोर्ट जो मेरा 2020 में एक्सपायर हो गया और मेरा जो नया पासपोर्ट 2020 से 2032 तक का है, तो आपने दोनों पासपोर्ट जमा कराने हैं अगर आपके केस में भी यही सिचुएशन है। नंबर 2 रीजन थी कि मेरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट था वो प्रोसेस के दौरान जो है एक्सपायर हो गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पीआर का जो केस है ये ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लेता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट दो, हमारे पाकिस्तान का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है उसकी मुद्दत, उसकी ड्यूरेशन होती 6 महीने है, तो मेरा जो है मुद्दत जो प्रोसेस के दौरान एक्सपायर हो गया, इसीलिए उन्होंने बोला कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट उसकी जो एक्सपायरी डेट प्रोसेस के दौरान होगी है, आपने ओल्ड पासपोर्ट जमा नहीं कराया था, तो हम आपकी पीआर जो है कैंसिल करते हैं। तो जब मैंने दूसरी बार अपील की, अपील करने की भी फीस होती है, अगर मैं आपको बताता चलूं तो जब भी आप अपने केस की अपील करते हो तो आपको 47,000 फंड्स जो है जमा कराने होते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में या हंगेरियन इमिग्रेशन ऑफिस में ऑन द स्पॉट। 47,000 फंड्स का मतलब है 47,000 फंड्स। तो जब मैंने दूसरी अपील की, दूसरी अपील जो है मेरे ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन में उसका भी कंक्लूजन आ गया, वो भी रिजेक्ट होगी। उसका उन्होंने ये रीज़न दी कि मैंने जो अपने घर का कॉन्टैक्ट दिया था, तो बेसिकली मैं अभी जिस घर में रह रहा हूँ मैंने ये घर एजेंट से लिया, मेरा जो घर का ऑनर है वो जर्मनी में रहता है और बीच में ये वाला मिडल मैन जो एजेंट है इससे मैंने घर लिया था। तो उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिस ने जब मेरे घर के कॉन्टैक्ट पे सिग्नेचर चेक किए होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये सिग्नेचर मेरे घर के ऑनर के नहीं है, लैंडलॉर्ड के नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये सिग्नेचर आपके लैंडलॉर्ड के नहीं है, लिहाजा ये कॉन्टैक्ट वैलिड नहीं है, इसीलिए जो है आपका जो है अपील है वो कैंसिल करते हैं। एक रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न थी कि मेरा जो वर्क परमिट था जो मेरी कंपनी ने मुझे दिया हुआ वो जुलाई 2024 में एक्सपायर हो गया और अभी मेरी अपील का केस चल ही रहा था, तो जब वो एक्सपायर हुआ उन्होंने बोला जब आपके पास वैलिड परमिट नहीं है तो हम आपको पीआर कैसे दे सकते हैं। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप अपने घर का कॉन्टैक्ट सबमिट करो या तो उस पर आपके रियल लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर होने चाहिए, अगर नहीं तो अपने लैंडलॉर्ड की तरफ से आपको एक पावर ऑफ अटर्नी मिलेगी आपके एजेंट के नाम पे, इस मिडल मैन के नाम पे, कि मैं अगर मैं घर का ऑनरी ब्राजपुर मैं इस एजेंट को अथॉरिटी देता हूँ कि मेरे बिहाफ पे ये मेरे घर को मैनेज कर सकता है, किसी को भी टेनेंट रख सकता है, किसी को भी रेंट आउट कर सकता है। तो जब मैंने अपनी थर्ड अपील की तो मैंने ये कॉन्टैक्ट दिया, इसके साथ पावर ऑफ अटर्नी दी अपने लैंडलॉर्ड की तरफ से जर्मनी में रहते हैं,
उसके बाद मैंने अपना जो है वैलिड परमिट जो है मेरी कंपनी ने अप्लाई किया हुआ था जिसका नाम था मागियर कार्ड। ये मेरा प्लान भी था, लकीली मेरी कंपनी ने अप्लाई किया हुआ था और वो जो है जब मेरी सेकंड अपील कैंसिल हुई तो उधर से मेरा जो प्लान भी मागियर कार्ड है वो अप्रूव हो गया। तो मैंने उनको लेटर लिखा कि ये मैं आज अपना नया कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करूँ जिसपे मेरे लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर हैं, साथ में पावर ऑफ अटर्नी जमा करा दूँ, और तीसरा ये कि मेरा जो मागियर कार्ड है जो मेरी कंपनी ने अप्लाई किया हुआ था वो अप्रूव हो गया, उसका केस नंबर ये है, आप इसको सिस्टम में चेक कर सकते हो। लिहाजा अभी मैं लीगली एक परमिट होल्ड करूँ जिसका नाम है मागियर कार्ड। मैंने आपको कॉन्टेक्ट दे दिया, मैंने 47,000 चालान फीस जमा करा दी अपील करने की, और काइंडली जो है मेरी अपील को कंसिडर किया जाए। एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, वो ये है कि जब भी आपकी रेजिडेंस परमिट यानी कि RP की एप्लीकेशन कैंसिल होती है तो आपके पास विद इन 8 डेज होते हैं, 8 दिन में आपने अपील करनी होती है। अगर आप 8 दिन के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में नहीं पहुंचते, अपील नहीं करते, तो आपका जो केस है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं नेशनल PR की बात करूं या EU PR की बात करूं तो उसमें आपके पास 15 दिन होते हैं, 15 डेज, आपको विद इन 15 डेज में ही अपील करनी होती है। अगर आप 15 डेज के बाद 16th डे पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपील करने की कोशिश करोगे, आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप ये देखोगे कि आपका केस ऑटोमेटिकली पोर्टल से जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो आप इसके बाद अपील नहीं कर सकते। तो गाइस, हमने कोशिश पूरी की कि इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारा ज्ञान जो हमें पता है आपको दे दिया जाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया सुनने को मिला होगा। तो अगर कुछ चीज़ें जो हमने मिस की हैं, काइंडली आप इस वीडियो के, इस ब्लॉग के नीचे कमेंट में पब्लिश कर देना। तो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए, क्योंकि मेरे अपने सर्कल में इतने सारे लोग हैं जो PR को लेके इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि कैसे PR अप्लाई की जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नया लॉ जो आ रहा है वो PR को कैसे इफेक्ट करेगा, किस बंदे को एग्जाम देना है, किसको नहीं देना, ये सारी चीज़ें हमने इस व्लॉग में कैप्चर कर दी हैं। तो बाकी अगर फिर भी कोई कमी पेशी रही, हम कोशिश करेंगे कि अपनी कमिंग वीडियो में उसको जो है पूरा किया जाए, फुलफिल किया जाए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट कर देना, और कोशिश करना कि ये वीडियो हर उस ज़रूरतमंद तक पहुँचे जिसको ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PR। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप पे लाजमी जो है लाइक कर देना और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, दैट्स ऑल आई नीड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, PR का जो प्रोसेस है 2024 से पहले शुरू कर दो। अगर 2024 तक आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होती, देन स्टार्ट लर्निंग हंगेरियन जस्ट लाइक मी, अभी से शुरू कर दो ताकि आप कल को कल्चरल एग्जाम दे दो, उसको पास कर लो, या तो नेशनल PR ले लो या फिर EU PR ले लो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, चाओ, अल्लाह हाफिज़।